हेलो एंड वेलकम टू allroomkitchen.com। आज का ये प्रॉपर्टी वीडियो कुछ अलग है, कुछ स्पेशल है। फ्लैट्स तो हम रोज़ रोज़ ही देखते आ रहे हैं, आज बारी है विलाज एंड विला प्लॉट्स की। सो कम, लेट्स गो। आज हम आप सभी के लिए लेके आए हैं विलाज एंड विला प्लॉट्स, जो लोकेटेड है एग्जैक्टली ऑन पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे। ये प्रोजेक्ट पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे पे होने की वजह से काफ़ी इजी ड्राइवेबल डिस्टेंस पे आ जाता है फ्रॉम पॉपुलर लोकेलिटीज़ लाइक वाकड़, बानेर एंड हिंजेवाड़ी आईटी पार्क। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कम्प्लीट प्रोजेक्ट डिटेल्स को, 4 BHK सैम्पल विला का टूर भी कवर करेंगे। साथ ही आज की इस वीडियो में एंड में हम कवर करने वाले हैं इस प्रोजेक्ट से कितना टाइम एंड डिस्टेंस पे वाकड़ भूमकर चौक आता है, ये आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो आज का ये वीडियो आप पूरा एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए प्रोजेक्ट डिटेल्स को क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। ये जो प्रोजेक्ट है ये 247 एकर्स के ग्रैंड लैंड पार्सल पे डेवलप किया जा रहा है, जहाँ पे आपको फर्स्ट होम विला कम्युनिटी यहाँ पे प्रॉपरली मिल जाती है। ये प्रॉपरली गेटेड कम्युनिटी ही आपको यहाँ पे मिल जाती है। करंटली 120 एकर्स पे प्रॉपरली डेवलपमेंट शुरू है, जहाँ पे आपको स्पेशियस डुप्लेक्स 5 BHK, 4 BHK या 3 BHK डुप्लेक्स विलाज यहाँ पे दिए गए हैं। बेस्ट पार्ट है, यहाँ पे कोई भी हाई राइज टावर्स नहीं रहने वाले हैं। सभी जो डुप्लेक्स विलाज है ये ग्राउंड प्लस 1 स्टोरीड ही रहने वाले हैं, तो काफ़ी अच्छा व्यू एंड वेंटिलेशन आपको हर एक विला के साथ प्रॉपरली यहाँ पे मिल जाता है। चलिए अब प्राइसिंग एंड साइजिंग को क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। पहले विलाज के बारे में डिस्कस कर लेंगे। 3 BHK ट्विन विला जो है यहाँ पे वो 1700 स्क्वायर फीट कारपेट का है, जिसका प्राइस स्टार्ट होता है फ्रॉम 1.55 करोड़ ऑल इंक्लूसिव ऑनवर्ड्स। एंड 4 BHK इंडिपेंडेंट जो विलाज हैं उसका कारपेट एरिया अगर बताऊं तो 2250 स्क्वायर फीट का यहाँ पे कारपेट एरिया का ड्यूप्लेक्स 4 BHK इंडिपेंडेंट विला है, जिसका कॉस्ट स्टार्ट होता है फ्रॉम 2.20 करोड़ ऑल इंक्लूसिव ऑनवर्ड्स। बात कर लें प्लॉट्स की तो आपको 3 BHK 1700 स्क्वायर फीट ऑनवर्ड्स यहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं प्लॉट्स। एंड इसका अगर मैं प्राइसिंग बताऊं तो 70 लाख ऑल इंक्लूसिव इनका प्राइसिंग रखा गया है। 4 BHK विला प्लॉट्स की अगर मैं साइजिंग की बात करूं तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 2500 स्क्वायर फीट ऑनवर्ड्स, एंड जिसका ऑल इंक्लूसिव प्राइसिंग रखा गया है 1.10 करोड़ ऑल इंक्लूसिव ऑनवर्ड्स।
ये प्राइसिंग नेगोशिएबल है, आपको बेस्ट प्राइस डील्स के लिए hallroomkitchen.com से कॉन्टैक्ट ज़रूर करें। आप हमें स्क्रीन पे दिए हुए इन नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड साइट विजिट्स के लिए आ सकते हैं, या फिर घर बैठे बैठे आप जूम कॉल प्रेजेंटेशंस भी ले सकते हैं। चलिए अब पोजेशन के बारे में बता देता हूँ आपको। कुछ विलाज यहाँ पे नियरिंग पोजेशन पे भी मिल जाते हैं एंड कुछ प्लॉट्स जो हैं ये भी आपको नियरिंग पोजेशन के ऑप्शंस यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। लेकिन हाँ, नियरिंग पोजेशन में ऑप्शंस बहुत ही लिमिटेड हैं। अगर आपको नियरिंग पोजेशन वाले ऑप्शंस चाहिए तो आप क्विकली इस प्रोजेक्ट को विजिट करने के लिए डेफिनेटली आइए। एंड बाकी के जो पोजेशन टाइमलाइंस यहाँ पे रखे गए हैं वो 1.5 ईयर्स एंड 2 ईयर्स के ऑप्शंस आपको यहाँ पे विलाज एज वेल एज बंगलोज के यहाँ पे जो है ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। चलिए अब मेंटेनेंस के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। 3 BHK विला का मेंटेनेंस एज लो एज 3000 रुपीज़ है यहाँ पे एंड 4 BHK विला का मेंटेनेंस एज लो एज 4000 रुपीज़ ही यहाँ पे रखा गया है। लिटरली यहाँ पे जो मेंटेनेंस रखा गया है वो आपको जो फ्लैट्स है बानेर बालेवाड़ी या फिर वाकड़ साइड के, उनसे भी कम मेंटेनेंस आपको यहाँ पे मिल जाता है। चलिए अब क्विकली एमटीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। काफ़ी लैविश एमटीज़ यहाँ पे रखी गई है, वन बाय वन सारी एमटीज़ को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे प्रॉपरली 6 होल का गोल्फ कोर्स आपको मिल जाता है, फुटबॉल ग्राउंड यहाँ पे दिया हुआ है, साथ ही आपको ग्रैंड 50,000 स्क्वायर फीट में यहाँ पे क्लब हाउस दिया हुआ है जिसमें काफ़ी बड़ा आपको लग्जरियस स्विमिंग पूल मिल जाता है, जिम मिल जाता है, फाइन डाइन रेस्टोरेंट मिल जाता है एंड गेस्ट स्वीट्स आपको यहाँ पे प्रॉपरली दिए हुए हैं। साथ ही इस प्रोजेक्ट में काफ़ी सारे मल्टीपल पॉकेट गार्डन्स भी दिए हुए हैं आपको। आफ्टर एवरी फ्यू विलास गार्डन्स भी देखने को प्रॉपरली मिल जाते हैं। एंड साथ ही मैं आपको बताऊं यहाँ पे नेचुरल वाटर स्ट्रीम भी है प्रोजेक्ट में एंड एक स्मॉल आइलैंड भी क्रिएट किया हुआ है इस स्ट्रीम के बीचों बीच में। चलिए अब मैं आपको कनेक्टिविटी के बारे में बता देता हूँ क्विकली। इस प्रोजेक्ट से आपको हिंजेवाड़ी आईटी पार्क एंड वाकड़ जो है ये 15-20 मिनट्स के डिस्टेंस पे आता है, बानेर बालेवाड़ी 30 मिनट्स ड्राइविंग डिस्टेंस पे आता है, तलवाड़ी आईटी पार्क 18 मिनट्स के डिस्टेंस पे आता है, चाकन एंड चाकन MIDC 20 मिनट्स पे आता है, लोनावला यहाँ से काफ़ी नज़दीक है 25 मिनट्स पे आता है, पुणे यूनिवर्सिटी 45 मिनट्स का ड्राइविंग डिस्टेंस है, नवी मुंबई अपकमिंग पनवेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड पुणे एयरपोर्ट जो है यहाँ से 60 मिनट्स के ड्राइविंग डिस्टेंस पे आपको प्रॉपरली देखने को मिल जाते हैं। चलिए अब कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के बारे में भी डिस्कस करते हैं। विद इन प्रीमाइसेस आपको कौन कौन से कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस यहाँ पे मिलने वाले हैं या फिर कमर्शियल चीज़ें क्या क्या हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर, आपको प्रॉपरली डेली नीड्स के लिए सारी चीज़ें आपको विद इन प्रीमाइसेस मिल जाएंगी। साथ ही डॉक्टर एंड फार्मेसी भी दिया हुआ है, साथ ही इंटरनेशनल स्कूल आपको विद इन प्रीमाइसेस मिल जाता है, फायर स्टेशन, पुलिस स्टेशन, रेस्टोरेंट एंड फूड कोर्ट भी आपको प्रॉपरली विद इन प्रीमाइसेस विद इन टाउनशिप प्रॉपरली मिल जाता है। साथ ही मैं आपको बता दूं काफ़ी सारे स्कूल्स जो हैं इस प्रोजेक्ट से आपको नियर बाय फ्यू किलोमीटर्स पे ही मिल जाते हैं, तो उसका पिकअप एंड ड्रॉप भी आपको प्रॉपरली प्रोजेक्ट से मिल जाएगा। तो चलिए 4 BHK डुप्लेक्स विला का सैम्पल फ्लैट टूर क्विकली कर लेते हैं। आ जाइए, आप जैसे ही विला के पास में आते हो आपको कुछ इस तरीके के डबल पार्किंग का स्पेस प्रॉपरली आपके विला के साथ मिल जाता है। आराम से दो यहाँ पे SUVs आ जाएंगी, उतनी स्पेस आपको आपकी पार्किंग लॉट में प्रॉपरली मिल जाती है। यहाँ पे आपको एक छोटा सा प्राइवेट गार्डन मिल जाता है एंड यहाँ पे आप ये जो देख पा रहे हैं स्ट्रक्चर, यहाँ पे आपका विला नंबर एंड नेम प्लेट प्रॉपरली आपके विला के साथ मिल जाता है। यहाँ से आपके विला के लिए एंट्री डोर आपको प्रॉपरली मिल जाता है। आ जाइए, तो यहाँ से हम अंदर चलेंगे एंड पूरा 4 BHK विला का टूर करेंगे। आप जैसे फ्लैट के पास में आते हो, विला के पास में आते हो, आपको कुछ इस तरीके का एक वीडियो डोरफोन मिल जाता है। साथ ही बेस्ट पार्ट है, हर एक विला के साथ आपको कुछ इस तरीके के डिजिटल लॉक्स प्रॉपरली मिल जाते हैं जिससे आप आपके विला को एक्सेस कर पाओगे। आ जाइए, विला से जैसे ही आप विला में जैसे ही आप एंटर करते हो एक छोटा सा डिसेंट एंट्रेंस लॉबी मिल जाता है एंड एंट्रेंस लॉबी से आप जैसे ही अंदर आते हो आपको कुछ इस तरीके का ग्रैंड लिविंग एरिया मिल जाता है जो कि आपको 4 BHK में कुछ इस तरीके के डबल हाइट का प्रॉपरली जो है लिविंग स्पेस आपको यहाँ पे दिया गया है। इसकी अगर मैं कारपेट एरिया की बात करूँ तो मोर देन 420 स्क्वायर फीट का आपको ये ग्रैंड लिविंग स्पेस प्रॉपरली 4 BHK विला में मिल जाता है। यहाँ पे अगर मैं कुछ अरेंजमेंट्स की बात करूँ तो यहाँ पे आपको मल्टीपल पॉइंट्स दिए जाएंगे ताकि आप आपका टेलीविजन यूनिट का सेटअप इस पर्टिकुलर वॉल पे कर पाओ एंड सामने की तरफ आप ये जो सोफ़ा सेटअप देख रहे हो, सोफ़ा की अरेंजमेंट देख रहे हो, कुछ इस तरीके का आप ग्रैंड आपका सिट आउट एरिया सोफ़ा का सेटअप के साथ प्रॉपरली कर पाओगे आपके विला में। उतनी स्पेस आपको इस पर्टिकुलर कॉर्नर में प्रॉपरली मिल जाती है। साथ ही ये आप यहाँ पे ग्लासेस भी देख लीजिए क्विकली, डबल हाइट के ये प्रॉपरली आपको इतने बड़े रूफ तक प्रॉपरली ग्लास वेंटिलेशन ग्लास फसाड्स मिल जाती है जहाँ से आपके लिविंग रूम में बहुत अच्छा एयर वेंटिलेशन एंड लाइट वेंटिलेशन प्रॉपरली आ जाएगा। उस हिसाब से आपको काफ़ी बढ़िया से ग्लास फसाड्स आपके लिविंग एरिया में प्रॉपरली
दिए जाते हैं। तो मोर देन 425 स्क्वायर फीट का ये ग्रैंड आपको लिविंग स्पेस आपके लिविंग रूम में प्रॉपरली मिल जाता है। यहाँ पे आप ये जो छोटा सा कॉर्नर कोर्ट स्पेस देख रहे हो, इसको आप कुछ इस तरीके से आर्टिफिशियल प्लांट्स के साथ या फिर एक्चुअल प्लांट्स के साथ, इंडोर प्लांट्स के साथ डेकोरेट कर सकते हो। तो वो आपके ऊपर है, आप किस तरीके से उसे डेकोरेट करना चाहते हो उस तरीके से आप यहाँ पे प्रॉपर आपका इंडोर प्लांट्स के साथ डेकोरेशन कर पाते हो। जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो आपको यहाँ पे काफ़ी स्पेशियस डाइनिंग एरिया मिल जाता है एंड इट्स क्वाइट स्पेशियस। आपको आराम से 8 सीटर का जो डाइनिंग यहाँ पे अरेंजमेंट दिखाया गया है, ये आप आराम से यहाँ पे अरेंज कर पाते हो। उतनी स्पेस आपको डाइनिंग एरिया में प्रॉपरली मिल जाती है। इसकी अगर मैं स्पेस की बात करूँ तो आपको प्रॉपर 185 स्क्वायर फीट का ये डाइनिंग स्पेस प्रॉपरली अलग से विला में मिल जाता है। साथ ही आपको इस तरफ एक प्यारा सा पूजा स्पेस भी दिया गया है, तो यहाँ पे आप बड़े आराम से एक टेंपल स्पेस क्रिएट कर सकते हो। छोटा सा ही सही लेकिन काफ़ी प्यारा सा टेंपल स्पेस आपको यहाँ पे दिया जाए। तो अगर आपको इसको एक्सटेंड करना है तो आप इसे एक्सटेंड करके बड़ा सा टेंपल एरिया भी क्रिएट कर सकते हो एंड थोड़ा सा डाइनिंग स्पेस उस तरफ एडजस्ट कर पाते हो। उस हिसाब से आपको यहाँ पे टेंपल स्पेस भी प्रॉपरली दी हुई है। डाइनिंग एरिया को अटैच्ड आपको इस तरफ किचन एरिया मिल जाता है। आइए किचन को क्विकली चेक करेंगे। काफ़ी स्पेशियस किचन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। इसकी अगर मैं कारपेट एरिया की बात करूँ तो मोर देन 150 स्क्वायर फीट के ये एल शेप प्लेटफॉर्म के साथ आपको किचन यहाँ पे मिल जाते हैं। अच्छी बात यह है कि आपको यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म्स दिए गए हैं ये कुछ इस तरीके के ही वाइट मार्बल वाले प्लेटफॉर्म्स प्रॉपरली मिल जाते हैं। साथ ही किचन में भी आपको काफ़ी अच्छा वेंटिलेशन जो है इन दो विंडोज से प्रॉपरली मिल जाएगा। तो आप आपका कुकवेयर एंड चिमनी कुछ इस तरीके से इस विंडो के साथ लगा के रख सकते हो। उस हिसाब से आपकी अरेंजमेंट किचन में प्रॉपरली मिल जाती है। साथ ही किचन में आपको यहाँ पे एक सिंक स्पेस भी दिया गया है। एक सिंक कुछ इस तरीके से यहाँ पे प्रॉपरली दिया जाता है ताकि आप आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को वॉश कर पाओ। उस हिसाब से यहाँ पे एक सिंक प्रॉपरली दिया गया है एंड इस तरफ जो आप ये स्पेस देख पा रहे हो यहाँ पे कुछ इस तरीके के आप कैबिनेट्स बना सकते हो जिसके अंदर आप कुछ इस तरीके के माइक्रोवेव डिश वॉशर प्रॉपरली इंस्टॉल कर पाओगे। उस हिसाब से ये कॉर्नर में आपको स्पेस मिल जाती है। साथ ही आपको यहाँ पे ड्राई बालकनी भी प्रॉपरली मिल जाती है जहाँ पे आप प्रॉपरली कुछ इस तरीके से जो है आपका वॉशिंग मशीन लगा सकते हो। यहाँ पे एक और सिंक दिया जाता है ताकि आपकी मेड वगैरह जो है यहाँ पे डर्टी यूटेंसिल्स प्रॉपरली वॉश कर पाए। साथ ही यहाँ पे एक और आपको डोर मिल जाता है जहाँ से आपके मेड की एंट्री एग्जिट आपके विला में होगी। उस हिसाब से यहाँ पे एक डोर भी आपको प्रॉपरली दिया गया है। तो कुछ इस तरीके से काफ़ी वेल प्लान किचन आपको इन विलास के साथ मिल जाते हैं। आइए नेक्स्ट पार्ट ऑफ द विला को चेक करेंगे। आ जाइए, इस तरफ आपको बैकयार्ड के लिए एंट्री मिल जाती है। काफ़ी अच्छे वुडन लुक लाइक आपको यहाँ पे जो है स्लाइडिंग डोर्स मिल जाते हैं। 4 BHK इंडिपेंडेंट विला में आप चाहें तो कुछ इस तरीके का प्राइवेट प्लंज पूल के लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं। ये ऑप्शनल है, आपके ऊपर है। अगर आपको चाहिए तो इसके लिए एडिशनल कॉस्ट आपको बेयर करनी पड़ेगी। इसकी अगर मैं साइजिंग की बात करूं तो आपको 16x7 साइज़ का ये प्लंज पूल प्रॉपरली मिल जाता है। जिसकी अगर मैं डेप्थ की बात करूं तो ये 4 फीट का प्लंज पूल आपको प्रॉपरली मिल जाता है। अगर आपको ये प्लंज पूल नहीं चाहिए तो प्रॉपर पूरा सा डेक स्पेस आपको बना के दिया जाएगा आपके डाइनिंग एरिया के बैक साइड में। आप प्रॉपरली विला के बैक साइड में एक सिट आउट एरिया भी प्रॉपरली क्रिएट कर सकते हो या फिर एक ब्यूटीफुल गार्डन स्पेस भी क्रिएट कर सकते हो आपके बैकयार्ड में। आइए नेक्स्ट पार्ट ऑफ द विला को चेक करते हैं। आ जाइए, डाइनिंग एरिया को लग के आपको इस तरफ एक प्यारा सा पाउडर रूम भी मिल जाता है जिसमें बेसिन आपको कुछ इस तरीके का बाहर की तरफ मिल जाता है एंड यहाँ पे एक कमोड स्पेस आपको प्रॉपरली मिल जाता है आपके पाउडर रूम में। बेस्ट पार्ट है, एक बेडरूम भी आपको प्रॉपरली ग्राउंड फ्लोर पे मिल जाती है। आइए बेडरूम को क्विकली चेक करेंगे। आ जाइए, आप बेडरूम में जैसे ही एंटर करते हो आपको इस तरफ अटैच्ड वॉशरूम पहले मिल जाता है। आइए इसे चेक करेंगे क्विकली। कुछ इस तरीके का एक मॉडर्न फिनिश वाला आपको बेसिन स्पेस मिल जाता है। वॉल माउंटेड आपको कमोड मिल जाता है एंड स्लाइडिंग डोर के साथ आपको यहाँ पे बेदिंग एरिया के लिए एक्सेस प्रॉपरली मिल जाता है। तो ये इस तरीके का आपको वॉशरूम अटैच्ड आपके जो ग्राउंड फ्लोर का बेडरूम है उसके साथ मिल जाता है। आइए बेडरूम को भी क्विकली चेक करेंगे। ये आपको लगभग 160 स्क्वायर फीट का प्रॉपर बेडरूम मिल जाता है जिसमें आपको क्रॉस वेंटिलेशन के लिए एक विंडो उस तरफ मिलती है एंड एक बड़ी सी विंडो जो है ग्लास फसाड आपको आपके पार्किंग एरिया को खुलती है। उस हिसाब से यहाँ पे बड़ी सी स्लाइडिंग विंडो भी आपको प्रॉपरली आपके फर्स्ट बेडरूम में कुछ इस तरीके की मिल जाती है। काफ़ी अच्छा बेडरूम का स्पेस यहाँ पे दिया गया है। आप प्रॉपरली क्वीन साइज़ का बेड, वॉल माउंटेड टेलीविजन एंड एक बड़ा सा वार्डरोब स्पेस रख सकते हो। उतनी स्पेस आपको ग्राउंड फ्लोर वाले इस बेडरूम में प्रॉपरली
मिल जाती है। आप क्विकली इसे एक बार चेक कर लीजिए। तो लगभग 160 स्क्वायर फीट का ये आपको ग्राउंड फ्लोर पे एक बेडरूम मिल जाता है, बाकी के तीनों बेडरूम्स आपको फर्स्ट फ्लोर पे मिलते हैं। आ जाइए, अब फर्स्ट फ्लोर पे चलेंगे हम लोग। आ जाइए, लिविंग एरिया से आपको काफ़ी ब्यूटीफुल स्टेयरकेस मिल जाती है, जिससे आप फर्स्ट फ्लोर वाले तीनों बेडरूम्स को एक्सेस कर पाते हो। आ जाइए, स्टेयरकेस से हम लोग ऊपर चलेंगे फर्स्ट फ्लोर पे। सेम स्टेयरकेस का कंस्ट्रक्शन आपको करके दिया जाएगा। आ जाइए, तीनों बेडरूम्स को वन बाय वन चेक करेंगे। आ जाइए, सबसे पहले मास्टर बेडरूम को क्विकली चेक करते हैं। आ जाइए, आप जैसे ही मास्टर बेडरूम में आते हो, आपको इस तरफ अटैच्ड मास्टर वॉशरूम मिल जाता है, इसे आप क्विकली चेक कर लीजिए। इसी तरीके के आपको कुछ अलग डिज़ाइन के इंटरनेशनल फिनिश वाले बेसिन स्पेस मिल जाते हैं, यहाँ पे कमोड स्पेस मिल जाता है, एंड आपका प्रॉपरली बेडिंग एरिया जो है ये अलग से आपको मिल जाता है। सिमिलर फिटिंग वाले आपको टाइल्स एंड कलर कॉम्बिनेशंस आपके वॉशरूम्स में यहाँ पे मिल जाते हैं। आ जाइए, अब अपन बेडरूम को चेक कर लेते हैं मास्टर बेडरूम में। मास्टर बेडरूम को एक्सेस करने से पहले आपको कुछ इस तरीके के वॉक इन वार्डरोब स्पेस प्रॉपरली मिल जाती है। लगभग 8x9 स्पेस साइज़ का आपको ये वॉक इन वार्डरोब स्पेस है, जिसमें आप कुछ इस तरीके से इस तरफ भी वार्डरोब बना सकते हो एंड इस साइड पे भी वार्डरोब बना सकते हो। इतनी स्पेस आपको वॉक इन वार्डरोब में प्रॉपरली मिल जाती है। एंड वॉक इन वार्डरोब से जैसे ही आप अंदर आते हो, आपको ग्रैंड मास्टर बेडरूम मिल जाता है, जिसके साथ अटैच्ड बालकनी भी है। इसकी अगर मैं कारपेट एरिया की बात करूँ तो 215 स्क्वायर फीट वाला ये प्रॉपर ग्रैंड मास्टर बेडरूम आपको मिल जाता है, जिसमें आप बड़े आराम से किंग साइज़ का बेड भी लगा सकते हो। उतनी स्पेस आपको आपके मास्टर बेडरूम के साथ मिल जाती है, साथ ही आप आपके बालकनी को भी मास्टर बेडरूम से एक्सेस कर पाते हो। कुछ इस तरीके की आपको काफ़ी अच्छी बालकनी मास्टर बेडरूम के साथ मिल जाती है, जहाँ से एक अच्छा वेंटिलेशन एंड व्यू आप एंजॉय कर पाते हो। ग्लास रेलिंग के सेटअप के साथ आपको ये बालकनीज मिल जाती है एंड बालकनी आपको ऊपर से प्रॉपरली कवर्ड मिलती है। आ जाइए, उम्मीद करता हूँ आपको विला काफ़ी पसंद आ रहा होगा। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप हमें लाइक हमारे वीडियोस को लाइक ज़रूर करें। आ जाइए, नेक्स्ट बेडरूम्स को भी चेक करेंगे। वैसे आपको बेडरूम्स में जो है मास्टर बेडरूम्स में कुछ इस तरीके के वुडन टाइल्स प्रॉपरली मिल जाते हैं। आप टाइल्स पे भी एक बार फोकस डालिए, कुछ इस तरीके के वुडन टाइल्स आपको मास्टर बेडरूम में मिल जाते हैं। आइए, इस तरफ जो फर्स्ट फ्लोर वाला सेकेंड बेडरूम है उसे क्विकली चेक करेंगे। कुछ इस तरीके के आपको वॉशरूम्स अटैच्ड इस पर्टिकुलर बेडरूम के साथ भी मिल जाते हैं। एंड कुछ इस तरीके का आपका बेडरूम यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे मिल जाता है। इसकी अगर मैं कारपेट एरिया की बात करूँ तो 126 स्क्वायर फीट वाला ये आपको फर्स्ट फ्लोर पे सेकंड बेडरूम मिल जाता है, जहाँ से आपको एक बड़ी सी ग्लास फसाड अगेन मिल जाती है, जहाँ से एक व्यू एंड वेंटिलेशन आप एंजॉय कर पाते हो। साथ ही आपको वहाँ पे क्रॉस वेंटिलेशन के लिए एक छोटी सी विंडो प्रॉपरली दी हुई है, जहाँ से एक अच्छा क्रॉस वेंटिलेशन आपके इस पर्टिकुलर बेडरूम में भी प्रॉपरली मिलता रहेगा। आइए, अब थर्ड बेडरूम को चेक करते हैं। आप एक बार देख लीजिए इस पर्टिकुलर बेडरूम को, इट्स अबाउट 126 स्क्वायर फीट कारपेट। आ जाइए, अब थर्ड बेडरूम को चेक करेंगे। आ जाइए, वैसे यहाँ से जो स्टेयर्स है, दिस विल लीड यू टू दी टेरेस। आपको काफ़ी बढ़िया सा टेरेस भी ऊपर मिल जाता है, तो इस स्टेयरकेस को एक्सेस करके आप ऊपर टेरेस को एक्सेस कर पाते हो। आइए, अब थर्ड बेडरूम को चेक कर लेते हैं। आ जाइए, दिस इज़ योर थर्ड बेडरूम। इसकी अगर मैं साइजिंग की बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 160 स्क्वायर फीट वाला ये बेडरूम आपको प्रॉपरली मिल जाता है। यहाँ पे भी आप बड़े आराम से बेड, वार्डरोब एंड एक स्टडी टेबल का अरेंजमेंट प्रॉपरली कर पाते हो, साथ ही वॉल माउंटेड टेलीविजन भी आप लगा पाओगे। उस हिसाब से इस पर्टिकुलर बेडरूम में आप अरेंजमेंट कर पाते हो। साथ ही यहाँ पे भी एक बड़ी सी ग्लास स्लाइडिंग डोर्स लगी हुई है, जहाँ से आप एक प्रॉपर वेंटिलेशन मिल जाएगा। वहाँ पे क्रॉस वेंटिलेशन के लिए
विंडो भी आपको प्रॉपरली मिल जाती है एंड इस बेडरूम को भी अटैच्ड आपको वॉशरूम इस तरफ मिल जाता है। तो ऑल दी फोर बेडरूम्स आर कमिंग विथ अटैच्ड वॉशरूम्स। तो कुछ इस तरीके के आपको फोर बेडरूम्स प्रॉपरली यहाँ पे मिल जाते हैं। ये आपका फोर्थ बेडरूम है विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 160 स्क्वायर फीट। आ जाइए, आप इस लॉबी से आपका जो डबल हाइट का लिविंग एरिया है उसका भी एक व्यू एंजॉय कर लीजिए। काफ़ी बढ़िया लिविंग इन विलाज में आपको मिल जाता है डबल हाइट के साथ। अप्रॉक्सीमेटली 22 फीट हाइट आपको यहाँ पे आपके लिविंग एरिया के साथ मिल जाती है। आ जाइए, आप नीचे की तरफ चलेंगे। तो कुछ इस तरीके के 4 BHK इंडिपेंडेंट विलाज यहाँ पे अवेलेबल है, जिनका अगर मैं प्लॉट का कारपेट एरिया बताऊँ तो 2500 स्क्वायर फीट का प्लॉट है एंड जो विलाज हैं ये 2250 स्क्वायर फीट के आपको प्रॉपरली मिलते हैं। ग्राउंड फ्लोर पे आपको अप्रॉक्सीमेटली 1200 स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन है एंड जो फर्स्ट फ्लोर है वहाँ पे आपको अप्रॉक्सीमेटली 1100 स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन यहाँ पे मिल जाता है। विलाज की 4 BHK विलाज की अगर मैं कॉस्टिंग की बात करूँ तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 2 crore 20 lakhs ऑल इंक्लूसिव ऑनवर्ड्स एंड अगर आपको इससे भी बड़ा चाहिए तो आपको प्लॉट साइज़ बड़ा मिलेगा। हालांकि विला आपको सेम ही रहेगा, सेम ही स्ट्रक्चर का मिलेगा। प्लॉट्स आपको बड़ा चाहिए जिसमें आप एक्स्ट्रा गार्डनिंग स्पेस चाहते हैं तो वैसा भी अवेलेबल है, उसका कॉस्टिंग थोड़ा सा बढ़ जाएगा। उस हिसाब से यहाँ पे 4 BHK विलाज हैं। 3 BHK विलाज भी यहाँ पे अवेलेबल है, उसका अगर मैं कारपेट एरिया बताऊँ तो 1700 स्क्वायर फीट के 3 BHK विलाज हैं जिसका कॉस्ट स्टार्ट होता है फ्रॉम 1 crore 55 lakhs ऑल इंक्लूसिव ऑनवर्ड्स। तो चलिए, हम वीडियो के लास्ट सेगमेंट में आ चुके हैं। यहाँ पे हम चेक करने वाले हैं कि प्रोजेक्ट से भूमकर चौक वाकड़ का डिस्टेंस कितना है और हमें ट्रैवल टाइम कितना लगता है, वो हम आपको अभी बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, हम वाकड़ भूमकर चौक पहुंच चुके हैं। लगभग 20 किलोमीटर्स का ये डिस्टेंस रहा जिसे हमने 25 मिनट्स अप्रॉक्सीमेटली टाइम में ट्रैवल कर लिया है। जो एग्जिस्टिंग रोड है एंड जो जिस तरीके की बारिश हो रही थी उस कंडीशंस में आप आराम से 20-25 मिनट्स में वाकड़ भूमकर चौक तक पहुँच सकते हो एंड इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 20 किलोमीटर्स फ्रॉम दी प्रोजेक्ट। उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए जो लोग भी विलाज एंड विला प्लॉट्स देख रहे हैं उनके साथ एंड आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का साइट विजिट करना है या फिर जूम कॉल प्रेजेंटेशन चाहते हैं तो आप हमें स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पे कांटेक्ट ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियोज फ्रॉम ऑल रूम किचन आप इन बटन्स पे क्लिक जरूर करें। साथ ही अगर आप पुणे में प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट डेफिनेटली करें। हम आपको आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट प्रॉपर्टी कम से कम टाइम में एंड बेस्ट से बेस्ट प्राइस पॉइंट पर दिलवाएंगे। ये हमारी कमिटमेंट है।